नेक्स्ट है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं इसकी, या लाइफ स्टाइल स्ट्रेटजीज हैं वो आप लाइफ स्टाइल में स्ट्रेटजीज में आप मॉडिफाई करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको ईटिंग हैबिट्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे फूड्स हैं, फूड इनटेक लेवल इम्प्रूव, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इम्प्रूव करके हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा इसको न्यूट्रिशन की प्रॉपर काउंसलिंग या न्यूट्रिशन की प्रो एजुकेशन से भी डायबिटिक की न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जो फैट को हम मैनेज करके एक मॉडरेट अमाउंट में, ठीक है, और हेल्दी फैट कंज्यूम करके भी हम मैनेज कर सकते हैं, कार्ब को मॉडरेट करके कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें ये करते हैं मोस्टली 10% तक इसमें एनर्जी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं इसमें, और वेट लॉस करते हैं। ठीक है, इसकी MNT सिंपल सी है कि लो कार्ब, लो फैट एंड आ हाई फाइबर। ठीक है, इसमें लो कार्ब यूज़ करते हैं, लो फैट यूज़ करते हैं, और फाइबर की कंसंट्रेशन हम हाई कर देते हैं। तो डाइटरी ट्रीटमेंट ऑफ आर डायबिटीज, इसमें क्या क्या है कि द मेन मोड ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ डायबिटिक आर, एक तो डाइट थ्रू डाइट करते हैं, दूसरा क्या एक्सरसाइज के थ्रू करते हैं, या ड्रग्स है मेडिसिन के थ्रू करते हैं, और फोर्थ नंबर पर क्या है कि उसकी जो गाइडलाइंस करनी है उसे जो काउंसलिंग करनी है एजुकेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है कि हमने उसका न्यूट्रिशन को देखना होता है, उसको एक एडिक्यूट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देनी होती है जिससे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके, उसके साथ साथ उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी हम मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो देन आ गोल ऑफ द न्यूट्रिशन थेरेपी, इसी चार पाँच गोल है। एक फर्स्ट वन अचीव आ फिजियोलॉजिकल ब्लड ग्लूकोज लेवल, सेकंड वन आ मेंटेन आ डिजायरेबल प्लाज्मा लिपर लेवल। एक तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है, दूसरा प्लाज्मा लेवल को, ब्लड लिपर लेवल को हमने मेंटेन रखना है। उसके अलावा डायबिटिक मेलिटस के साथ साथ जो अदर कॉम्प्लिकेशन है उसको हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस का इश्यूज हो रहे हैं, रेटिनोपैथी का इश्यूज हो रहे हैं, उसको हमने मेंटेन करना है। ठीक, कंट्रोल करना है। देन एक डिजायरेबल बॉडी वेट को अटेन करना है। आ कंपोनेंट ऑफ डाइट प्लान, डाइट प्लान कंपोनेंट, सबसे पहले हम कैलोरी देखेंगे। उसकी मोस्टली इसमें होता क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें 70 से 80% तो 20 होते हैं, तो फिर उनको हम कैलोरी के रिस्ट्रिक्शन पर ले जाते हैं, मोस्टली 1200 to 1400 तक उन्हें हम प्लान देते हैं। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू डियर BMI, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करते हैं, हम 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट करते हैं, उनको एक मॉडरेट अमाउंट में लेके आते हैं, 60% कार्ब देते हैं, उसमें मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि उसमें हम कम्प्लेक्स कार्ब दें, रिफाइंड कार्ब से हम अवॉइड करें। ठीक है, ये ग्लासमिक इंडेक्स है, ग्लासमिक इंडेक्स, ग्लासमिक लोड इसको हमें बड़ा मेंटेन करना होता है, 100 का स्क्रो का स्केल, एक स्केल है, उसके हिसाब से इसकी रेंजेज हैं कि जितने भी बेस शुगर हैं उनका ग्लासमिक इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, इसमें ग्लासमिक लोड है कि फार होम टाइम इट कैन स्टे इन द ब्लड, के जो ब्लड की ग्लूकोज है, जो स्पेसिफिक फूड की ग्लूकोज है वो कितने देर तक स्टे करती है ब्लड में। ठीक है, उसके हिसाब से भी ये हमने ध्यान रखना पड़ता है। हम मोस्टली इनको लो ग्लासिमिक इंडेक्स और लो ग्लासिमिक लोड के फूड देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिटरमाइन द ग्लासेमिक रिस्पॉन्स, दैट इज एक्चुअल क्वान्टिटी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कॉमनली यूज फूड आर टेंड टू राइज अबाउट ग्लूकोज, अ मोर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर फ्रॉम द स्टार्च फूड, के इसमें मोस्टली हम देख रहे थे हमने इसमें कम्प्लेक्स कार्ब देने होते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल कार्ब से अवॉइड करना होता है, रिफाइंड कार्ब से अवॉइड करना होता है। ठीक है, जो फाइबर, फाइबर को हमने लेवल इंक्रीज करना होता है, क्योंकि फाइबर ने क्या करना होता है, फाइबर ने एक तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज भी होने देता है, दूसरा क्या है कि जो ब्लड जो उसमें से जो फैट्स होगी उसको अब्जॉर्ब करेगा, उसकी सीट करेगा मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, देन अ मोर एक्शन ऑफ फाइबर आ सोल्यूबल फाइबर अ प्रोलॉन्ग द रेट एंड गैस्ट्रिक एम्प्टी। अब देखिए, जो सोल्यूबल फाइबर होगा वो जो गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट है उसको इंक्रीज कर देगा, विच एंड इंसुलिन ट्रांजिट टाइम और इंटेस्टाइन का ट्रांजिट टाइम इंक्रीज कर देगा। देन आ इनसोल्यूबल फाइबर आर रिड्यूस द गैस्ट्रिक एम्प्टी एंड आ इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। जो इनसोल्युबल फाइबर होगा, ठीक है, वो इसको एक मॉडरेट अमाउंट में रिड्यूस कर देगा, जो गैस्ट्रिक एम्प्टी होती है, स्टमिक का खाली होना, और जो इंटेस्टाइनल का ट्रांजिट टाइम है। ठीक है, अ हाई फाइबर डाइट कैन इन्हांस द रिस्पॉन्स ऑफ द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड एंड विच इज स्टिमुलेट्स बाय द इंसुलिन सेक्रेशन। फर्दर देर इज एन इन्हांस द प्लाज्मा सोमैटोस्टैटिन, के ये प्लाज्मा
सोमैटोस्टैटिन का लेवल इंक्रीज कर देगा, ठीक है, विच आर रिलीज आफ्टर फाइबर रिच डाइट के, जो फाइबर रिच डाइट लेने के बाद डिक्रीज रिलीज होता है। सोमैटोस्टैटिन डिले द अब्सॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट की अब्सॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से, वो उसे डिले कर देगा, ठीक है। देन आप प्रोटीन, प्रोटीन में देखना होता है कि हमने के प्रोटीन में 12 to 20% हमने प्रोटीन देनी होती है, ठीक है। तो एडिशनल 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन आर एज वेल वी कंसिडर द माल न्यूट्रिशन पेशेंट्स। कि हमने प्रोटीन देनी होती है कि उसको एक होता है उसे मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करें, हमने गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन देना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसको जो बैड सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसे अवॉइड करना है, ठीक है। मोस्टली इनको लो हाई ग्लाइसेमिक, जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है वो देते हैं। देन आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन सर्जरी एंड ऑफ वाउंड हीलिंग, ठीक है। वाउंड हीलिंग में, माल न्यूट्रिशन में, सर्जरी में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस इज एडिक्यूट डाइटरी प्रोटीन 1 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, 1 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट हम प्रोटीन देते हैं, विच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो कि किडनी रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अप टू 0.4 to 0.6, क्योंकि जब प्रोटीन ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा बर्डन आएगा किडनी पर, ठीक है। देन सोर्स ऑफ द प्रोटीन इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आ प्लांट प्रोटीन फ्रॉम द प्लांट सोर्स इज प्रेफर्ड टू फ्रॉम द एनिमल प्रोटीन। मोस्टली इसमें देनी होती है हाइब्रोलॉजिकल वाली प्रोटीन देते हैं, वो प्लांट प्रोटीन इसलिए देते हैं, एक तो वो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल उसे मेंटेन रखते हैं, उसका वो रिच इन फाइबर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें विटामिन का भी एक अच्छा सोर्स ही होता है। देन फैट्स, फैट्स क्या ये कि हमें 20 to 30% तक फैट देना होता है, ठीक है। मोस्टली हमें लिमिटाइज करना होता है, इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और जो सैचुरेटेड फैट है, देन सैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स आर गिवन इन द रेशियो ऑफ द 1:1। सैचुरेटेड फैट को हमें 10% से बिलो देना होता है, पुफा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको हमें 6 to 8% तक देना होता है। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाइटिक कोलेस्ट्रॉल है, उसका डाइटिक कोलेस्ट्रॉल है उसको हमें 300 mg पर डे से हमें लिमिटाइज करना होता है, ठीक है। स्वीटनर द यूज ऑफ द मोडस अमाउंट ऑफ द सोर्बिटोल स्वीटनर, क्या अल्टरनेटिव स्वीटनर है, सोर्बिटोल है, मेंटोल है, डाइटोल है, राइबिजोल है, उसके अलावा सेक्रीन है, जिस तरह सुसल फ्लेम है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव स्वीट, अल्टरनेटिव स्वीटनेस आर द मोस्ट अमाउंट ऑफ द सोर्बिटोल आर ETC आर पोजेस आर नो रिस्क ऑन आर डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल के, इनके जो स्वीटनर हैं इनके कोई डिवर्स इफेक्ट नहीं है, ठीक है। फ्रुक्टोज और ऑफर एडवांटेजेस ओवर सुक्रोज, ठीक है। फ्रुक्टोज का सोर्स हमें हमेशा बेटर चूज है, इट्स टेस्ट आर स्वीटर इट्स मेटाबोलाइज विदाउट इंसुलिन, को फ्रुक्टोज को मेटाबोलिज्म के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देन प्रोड्यूस आर लेस हाइपोग्लाइसीमिया और ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी ये कम राइज करती है। देन कैस्टडी में इसका कैस्टडी में क्या है कि इसका ईटिंग प्लान जो हम करेंगे उसमें मोस्टली हम जो कार्ब देंगे ऑलरेडी मैंने बताया है कि उसको हमने होल्ड रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट देनी है, अब उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसको हम 1.2 to 1.5 तक कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही है कि इसके अलावा जो स्नैक टाइम में हम क्योंकि इनको भूख लगती है, हमें इसको 5 to 6 फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो फिर हम इनकी इंडिविजुअली कैलरी रिक्वायरमेंट्स इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो यही है कि इनकी डाइट में 2 कप सैलड आदमी ऐड करने चाहिए, जो इनकी चपाती जो हमने देनी है डायबिटिक पेशेंट को उसमें ये है कि हमने जौ का आटा ऐड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसकी जितनी आयुर्वेदिक से हैं, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट्स हैं या हर्ब्स हैं वो इसमें लाजमी यूज़ करना चाहिए। देन अफेक्टिव न्यूट्रास्यूटिकल फूड अगेंस्ट दिस पैरल, इसमें क्या क्या है कि फाइबर रिच फूड्स हैं, जिंजर हैं, गार्लिक हैं, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक क्यूमिन है, ठीक है, डिफरेंट हर्ब्स हैं, ओनियन है, राइस ब्रैन, सिट्रस एंड सिट्रस पील एंड किनोवा सीड्स, ये इसका बहुत एक हेल्दी इम्पैक्ट है अगेंस्ट डायबिटिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।